दोस्तों दिन के 12 बजे है और फाइनली हमारा कागज मिल गया, गाड़ी हमारी कंपनी के बाहर हो गई है। जो कंपनी अंदर बना नहीं सकते थे, इसलिए मिल गया है। लेकिन सफर हो गया है, इंडिया में कहीं नहीं जाएंगे भैया, बांग्लादेश जाएंगे। और बांग्लादेश में बहुत कुछ कपड़ा चल रहा था, चल के आप वो भी दिखाएंगे, देखेंगे क्या होता है, कैसा बहुत होता है। हम लोग का प्रोग्राम होने वाला है मुर्गा, जा रहे हैं मार्केट में, देखते हैं कहीं मुर्गा मिलता है, गाड़ी में। ये देखिए दोस्तों अपना चिकन, आज चिकन बन रहा है गाड़ी में, चिकन पार्टी हो रहा है। और ये हमारे उस्ताद जी लगे पड़े हैं चिकन बनाने में गाड़ी में। और ये देखिए हम गए थे बाजार, वहाँ से देसी चिकन लाए हैं। और अब ये फ्राई भी हो रहा है, अभी इसे टाइम लगेगा बनने में। देख लीजिए भैया, ये अपना मुर्गा जो है बनकर तैयार हो रहा है, अभी तो बुझा ही रहा है, इसका पानी भी चल रहा है। देखिए इतना बड़ा लेग पीस है, देसी मुर्गा था एकदम बड़ा वाला। और कुकड़ राम राम दोस्तों, मेरे एक नए ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। मैं फिलहाल अपने काम पे आ चुका हूँ, घर पे था, आपको पता ही था मेरी तबीयत अचानक से ख़राब हुई थी, तो मैं छुट्टी लेकर घर पे आया था और अपना इलाज भी कराया। तो वो जो पेट में मेरा प्रॉब्लम था पथरी का, तो फिलहाल सही हो गया है। तो फिर से मैं अपने काम पर आ चुका हूँ ड्राइवरी करने के लिए, और गाड़ी उसी कंपनी में पकड़ा हूँ। और जो मेरा पहले वाला गाड़ी जो चला रहा था, तो उसको भाई ही चला रहा है, तो मैं बोला क्या इधर से उधर करना, अब उसको चलाओ। मैं मेरे को ये गाड़ी अभी मिला है, तो अभी तो फिलहाल मैं आया हूँ ये और लोड करने के लिए। गाड़ी मेरी लोड भी हो गई है हीरो कंपनी में, लोड करने का जो मोटरसाइकिल बनाता है हीरो कंपनी गुड़गांव में। फिलहाल अभी समय सुबह के 10 बज रहे हैं, गाड़ी मेरी कल रात में ही लोड हो गई थी, पेपर अभी नहीं मिला है। और कंपनी में हम वीडियो शूट भी नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ लिखा हुआ है वीडियो आप नहीं बना सकते। और ये अपना ट्रिप जो है इंडिया के अंदर का नहीं, इंडिया से बाहर का है। अब इस बार मेरा माल जो है बांग्लादेश जाएगा, और बांग्लादेश अभी हाल फिलहाल बहुत वहाँ पर बहुत कुछ हो रहा है, उसके बीच में हम बांग्लादेश का ये मेरा ट्रिप भी है। अभी तो फिलहाल कागज़ का इंतज़ार कर रहे हैं, कागज़ मिले फिर आपको यहाँ से सफ़र अपना कंटिन्यू जारी हो जाएगा। चलिए ठीक है दोस्तों, इस सफ़र को स्टार्ट करते हैं। नया ब्लॉग फिर से मेरा स्टार्ट हो रहा है, आज से मेरे जितने सब्सक्राइबर भाई लोग हैं, आप लोग ने इतना वेट किया मेरा, आज से फिर मेरा वीडियो अब कंटिन्यू आपको देखने को मिलेगा। दोस्तों दिन के 12 बज गए हैं और फाइनली हमारा कागज मिल गया, गाड़ी हमारी कंपनी के बाहर हो गई है। वीडियो कंपनी के अंदर बना नहीं सकते थे, ये पेपर मिल गया है, ये देखिए। और अभी यहाँ से चलते हैं, अपना सफर भी स्टार्ट करते हैं। अभी चलेंगे यहाँ से मैक्सिमम 70 किलोमीटर, तब वहाँ चल के हमको मिलेगा डीजल, और आपको जगह पता ही है होटल में डीजल मिलता है। तो अभी यहाँ से स्टार्ट करते हैं। और ये देख लीजिए कितना बिजी रोड है, मतलब रोड में ट्रैफिक बहुत रहता है। और ये गाड़ी है, अभी तो गाड़ी मान लीजिए ऐसे ही साफ सूफ किया हुआ, बहुत ज़्यादा गंदा था। यहाँ से निकलते हैं, कंटिन्यू अपना सफर जारी रखते हैं। और ये सफर हो गया है, इंडिया में कहीं नहीं जाएंगे भैया, बांग्लादेश जाएंगे। अब बांग्लादेश में बहुत कुछ लपड़ा चल रहा था, चल के आपको भी दिखाएंगे, देखेंगे क्या होता है वहाँ का, कैसा माहौल रहता है। दोस्तों दोपहर के 3:30 बज गए हैं और हम आ चुके हैं 58 फरीदाबाद, अपने ट्रांसपोर्ट जहाँ पर गाड़िया रहती है। अरे आपको दिखा दे, वो देखिए वो जो गाड़ी घूम रही है वही ट्रांसपोर्ट नगर को जा रहा है अपने। ये हमने सर्विस रोड पे गाड़ी लगाया है, और यही गाड़ी है अपना जो अभी हमने पकड़ा है। तो इसमें हमें सिलेंडर और बर्तन भी मिल गए थे, जुगाड़ इसमें था, जो ड्राइवर शायद चला रहा था छोड़ के चला गया था, क्या है पता नहीं। तो फिलहाल इसमें गर्मी भी लग रहा है, क्योंकि इसमें कूलर लगा नहीं है और अब लगाएंगे भी नहीं, क्योंकि ठंडा आने वाला है, कोई फ़ायदा नहीं है अगली गर्मी में, देखो क्या होता है। तो अभी इंतज़ार हो रहा है कुछ ड्राइवर भाइयों लोग का, जो आने वाले हमारी गाड़ी पे हमसे मिलने वाले हैं, और जिसमें से दोनों जन को आपने आप लोगों ने मेरे ब्लॉग में देखा है, तो दोनों जन आ रहे हैं, अभी आते हैं तो फिर उनसे मिलते हैं। और खाना भी दोपहर का अभी तक हुआ नहीं है, तो उनको रिक्वेस्ट किए हैं कि कुछ लेते आइए, अगर कुछ लाएंगे तो ठीक है, नहीं तो सामने आगे होटल ले जाएंगे। अब खाने का टाइम भी निकल चुका 3:30 बजे के बाद फिर, तो चलिए आते हैं, उन लोगों का ही वेट हो रहा है यहाँ पर। और अपना माल पता है ना, इंडिया नहीं बांग्लादेश।
चलते हैं इसी के साथ बांग्लादेश भी देखते हैं क्या वहाँ का माहौल है। हमने न्यूज में घर पे बैठे थे, न्यूज में तो हमने बहुत कुछ देख रखा था, अब चल के वहाँ देखते हैं। आप लोगों को भी फर्स्ट टाइम ब्लॉग में देखने को मिलेगा कि हम बांग्लादेश मतलब इंटरनेशनल बॉर्डर क्रॉस करके बांग्लादेश में जाते हैं। तो चलिए ठीक है दोस्तों, बात कर रहा था वो ड्राइवर, देखिए आ चुके हैं। ये मेरे ब्लॉग में आप लोग इनको देखा होगा, ये रामचंद्र उस्ताद है, ये काफी काफी मिले जुले है और एक मस्त आदमी हमारा ब्लॉग का। बिछड़ गए थे वो उस तरफ है, वही ये गाड़ी चला रहा है भाई, एक ही कंपनी की गाड़ी हम लोग चला रहे हैं। और आओ आओ आराम से उतरो भाई आराम से। हाँ और ये क्या आपको क्या बोले वो मस्त ड्राइवर, देखो वो उधर उतर रहा उस गाड़ी से। हेलो बोलो भाई। हेलो, तोता मैना बिछड़ गई थी। और अभी हम लोग का प्रोग्राम होने वाला है मुर्गा, जा रहे हैं मार्केट में, देखते हैं कहीं मुर्गा मिलता है तो आज ये उस्ताद मुर्गा खिलाएंगे। यानी अभी गाड़ी पे जो मैं बोला यही सब का इंतजार हो रहा था, ये सब आ गए और अपना अब जो है कार्यक्रम मुर्गे का चालू होने वाला है। और ये सफर जो है बांग्लादेश का है, बहुत मजा आने वाला है आपको। हाँ लेके चलते दूसरी कंट्री में, दो चार बिछड़ जा रहे हैं भाई, अब क्या करें, किडनी का दिक्कत होता है, पैसों का कागज का लफड़ा होता है भैया, तो पूरा करते हैं हिसाब, जिनका मिल जाए वो निकल लिए, जिनका लटक गया वो लटक गए। तो फिलहाल तो अपना मिल चुका है, बस इनका फिटनेस हुआ था गाड़ी का, अब ये इनका कागज आ जाएगा, निकलेंगे साथ दो आदमी इस वीडियो में इस ब्लॉक में रहने वाले। ये देखिए दोस्तों अपना चिकन, आज चिकन बन रहा गाड़ी में, चिकन पार्टी हो रहा है। और ये हमारे उस्ताद जी लगे पड़े हैं चिकन बनाने में गाड़ी में ही। और ये देखिए हम गए थे बाजार, वहाँ से देसी चिकन लाए हैं और अब ये फ्राई भी हो रहा है, अभी इसे टाइम लगेगा बनने में। और रात के समय भी 8 बज गए हैं, यहाँ से चिकन खा के और उसके बाद हम लोग निकल जाएंगे ना। चलिए अभी तो भुजा रहा है, उसके बाद इसमें मसाला डलेगा। देख लीजिए भैया ये अपना मुर्गा जो है बन के तैयार हो रहा है, अभी तो भुजा ही रहा है, इसका पानी भी चल रहा है। देखिए इतना बड़ा लेग पीस है, देसी मुर्गा था एकदम बड़ा वाला और कुकड़ुक्कू बोल रहा था। और ये देखिए मसाला चल रहा अभी, अरे हमारे पुराने बावर्ची है, ये पड़ गया मसाला, अब इसको फर्स्ट क्लास। और भैया इनके लड़के का बर्थडे था आज, इसी बर्थडे के खुशी में जो है चिकन पार्टी हो रहा है। अरे इसे चला भी दिया जाए। हाँ, हाँ जी, हाँ जी। देखा गिर जाए, राहे दराहे गिर जाएगा। ओ देखो भैया ये है गिर जाएगा, गिर जाएगा, हल्दी डल गया है फर्स्ट क्लास। नमक उमक डाल दीजिए भैया, लेग पीस बहुत बड़ा लग रहा है, बकरे का है कि किसी और का है मुर्गे का मुर्गा शानदार था। हेलो भैया, बड़ा था उसका गोड़ ना, इसलिए लेग पीस ज्यादा बड़ा हो गया है। देखिए भैया मुर्गा बन के तैयार हो गया है, बन गया उस्ताद ये पूरा एकदम लाजवाब बन गया है तरी के साथ। और इसके साथ खाने वाले हैं चावल और रोटी। अरे भैया आ गए हैं खाने के लिए तैयार हैं। हाँ वो रोटी रखी हुई है उधर। और ये मच्छर सिंह, हाँ पैर का जो मच्छर सिंह बावर्ची बना के तैयार, गर्मी काफी लग रहा है। भैया चिकन बन के रेडी हो गया है अपना, और ये देखिए खाने वाले शुरू भी कर दिए हैं। कैसा लग रहा भैया, बढ़िया बना है? मस्त। और इधर तो देखिए अभी प्याज काटने में ही व्यस्त है, और ये अपना निकल गया है। और इधर पोलोथीन में रोटी रखे थे, यहाँ भैया चलते हैं देखते हैं। एक प्रॉब्लम ये हो गया कि हमारे बावर्ची साहब की भी गाड़ी भरी है पर वो साथ जाएंगे नहीं, साथ जाते तो मेनू चेंज रहता हमेशा। और अभी खा के देखते हैं, बनाने में मास्टर आदमी है, पकड़े का बना है बढ़िया।
बस कीजिए राजू, बताइए सारा प्याजवा हमारे में ही काट के रख दिए है। इनका है, शुरू करिए रोटी लेकर। 10 बजे है और हम आ चुके हैं अपनी गाड़ी पे। अब यहाँ से चलते हैं, डीजल लेते हैं। अभी 40 किलोमीटर चलना है, वहाँ डीजल मिलेगा। और एक गाड़ी और अपने साथ बांग्लादेश में चल रही है, जिस गाड़ी में खाना बनाए थे वो भी बांग्लादेश के ही भरा है, पर उनका अभी जाने में देरी है, तो हम लोग तो निकलते हैं भाई। और यहाँ से पंप से चलेंगे, डीजल लेंगे और वहीं सो जाएंगे, वहाँ से फिर सुबह चलेंगे। तो चलिए आपसे फिर। रात के 12 बज गए हैं और हम डीजल ले चुके हैं अपनी गाड़ी में, पेट्रोल पंप पे ही, यहीं पर अब सोने का ही प्रोग्राम भी बन गया है। और अपने साथ एक गाड़ी और चल रहा है, दोस्त है हमारे, वो देखिए उनकी गाड़ी वो खड़ी है, ये पंप पे हम लोग खड़े हैं। अब यहाँ से सुबह 4 बजे 5 बजे जब भी आग खुलेगा यहाँ से सफर अपना स्टार्ट करेंगे। तो चलते हैं दोस्तों, क्योंकि नींद भी बहुत ज़्यादा आ रहा है और यहीं भी अब सोने का प्रोग्राम है। आपसे मिलते हैं अब सुबह। सुबह के 8 बज गए हैं और हम इसी पंप पे सो गए थे, आँख ही नहीं खुला, मतलब थका हुआ शरीर भी था, सो गए। चलो कोई बात नहीं, अब सारा दिन आराम आराम से चलना ही तो है। तो यहाँ पंप से चलने की तैयारी हो रही है, गाड़ी भी स्टार्ट हो गया है। और वो देखिए मेरे दोस्त की गाड़ी है, आइए आप पंप। तो चलिए यहाँ से अभी हरियाणा से यूपी में एंट्री करेंगे, तो वहीं पर कहीं रोक के चाय पियेंगे, उसके बाद अपना सफर स्टार्ट करेंगे। और सफर तो लाजवाब है ही भाई, बांग्लादेश। आगे भैया चाय की दुकान पे, इंदर जी की चाय की दुकान पे, सुबह सुबह बिस्कुट, वही चल रहे बांग्लादेश सबके। चाय बना रहे हो? चाय बना रहे हैं। देखिए चाय बन रही है, चाय पी के और उसके बाद यहाँ से फिर निकलते हैं, चलते हैं कहीं पे। आज नहाएंगे क्योंकि 2-3 दिन हो गया भैया। दोस्तों टाइम हो गया है, 10 बजने वाले हैं और हम आ चुके हैं यूपी चौमाह में, अपना सफर यूपी में घुस चुका है। और देखिए पार्टनर भी बगल में गाड़ी लगा लिए हैं, पार्टनर भी बांग्लादेश अपने साथ चल रहे हैं। और ये होटल है सामने, देखिए टंकी है, सब नहा रहे हैं, हम लोग भी यही रुकेंगे। तो चलिए इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करने का समय आ गया है, नेक्स्ट ब्लॉग में आपको यहाँ से फिर मेरा सफर स्टार्ट हो जाएगा। तब तक के लिए दोस्तों बाय।